हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर टेक्निकल इमरान खान में। दोस्तों, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, तो ये वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम यूआरएल क्या है और कस्टम यूआरएल आपको कब मिलता है और आप किस तरह अपने मोबाइल फ़ोन से कस्टम यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूँगा, तो ये वीडियो पूरा देखना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, कस्टम यूआरएल क्या है। कस्टम यूआरएल यानी आप अपने चैनल के लिंक को अपने चैनल के नेम के साथ बदल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जो मेरा चैनल का लिंक है और नीचे आप देख सकते हैं मैंने उस लिंक को किस तरह अपने चैनल के नेम पर तब्दील किया है। तो गाइस, इस तरह आप अपने चैनल के नेम को कस्टम यूआरएल कर सकते हैं। सेकेंड वन, कस्टम यूआरएल कब मिलता है। दोस्तों, आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद यूट्यूब आपको परमिशन देता है कि आप कस्टमर यूआरएल बना सकते हैं। थर्ड वन, कस्टम यूआरएल कैसे क्रिएट करना है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि कस्टम यूआरएल कैसे क्रिएट करना है तो मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊँगा। इसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो चलिए गाइस, मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलता हूँ। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोस इस चैनल पर हर रोज़ मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस, मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलता हूँ। हाँ दोस्तों, हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगर आप अपने YouTube चैनल का URL लिंक क्रिएट करना चाहते हो तो पहले आपको अपने Google Chrome एप्लीकेशन में जाना है। Google Chrome एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है YouTube Login। और सर्च पर क्लिक करना है और आपके सामने ये इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंट YouTube, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको अपने YouTube एप्लीकेशन में ले जाएगा और आपके सामने ये ऑप्शन ओपन होंगे, क्रोम, यूसी ब्रेजर, ब्राउज़र, ओपरा और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मौजूद होंगे। तो इसमें आपको क्रोम ऐप पर क्लिक करना है। क्रोम ऐप पर क्लिक करने के बाद ये आपको ऑटोमेटिकली अपने यूट्यूब के सेटिंग्स पेज में ले जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये गूगल के यूट्यूब सेटिंग्स पेज में ले आया है और यहाँ पर आपको ऊपर अपने चैनल का लोगो दिखेगा, तो उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे, यूअर चैनल, क्रिएट स्टूडियो, स्विच अकाउंट, साइन आउट और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मौजूद होंगे। तो इसमें आपको क्रिएट स्टूडियो पर क्लिक करना है। क्रिएट स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद ये आपको ऑटोमेटिकली गूगल क्रोम के YouTube स्टूडियो पेज में ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ये Google के YouTube स्टूडियो पेज में लाया है और यहाँ पर आपको राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इसमें आपको नीचे कस्टमाइज ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। कस्टमाइज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन ओपन होंगे, लेआउट, ब्रांडिंग, बेसिक इन्फो। तो इसमें आपको थर्ड ऑप्शन बेसिक इन्फो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने चैनल का अबाउट सेक्शन दिखाई देगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर आपको अबाउट सेक्शन के नीचे सेट अ कस्टम यूआरएल फॉर योर चैनल ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको ऑटोमेटिकली कस्टम यूआरएल शो होगा, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। वरना आप अपने कस्टम यूआरएल को एडिट करना चाहते हो तो नीचे आपको एडिट ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद और आप अपने यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपने यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल एडिट कर रहा हूँ। इस तरह आपको अपने यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल एडिट करना है। कस्टम यूआरएल एडिट करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है आप कौन सा यूआरएल अपने चैनल को रखना चाहते हो, तो उसको सेलेक्ट करना है। कस्टम यूआरएल सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको पब्लिश ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है।
पब्लिश ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म यूआरएल ऑप्शन ओपन होगा। तो आपको नीचे कन्फर्म ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों फाइनली आपका यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल क्रिएट हो चुका है। तो आप भी इस तरह अपने यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में जाके दिखलाता हूँ मेरा कस्टम यूआरएल क्रिएट हुआ या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे YouTube चैनल का कस्टम URL क्रिएट हो चुका है। हाँ तो दोस्तों इस तरह आप अपने YouTube चैनल का कस्टम URL लिंक क्रिएट कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आप ऐसे यूजफुल वीडियोस पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।